सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो को लेके। तो ये वीडियो रिलेटेड है स्ट्रीट फूड से, लेकिन बस ट्विस्ट की यह बात है कि हम लोग खाएंगे केवल, जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल 200 रुपये में गाइस। जी हाँ, केवल 200 रुपये में। ओ सॉरी, ये उल्टा है, सीधा करके दिखा देता हूँ। केवल 200 रुपये में। तो पहला जगह अभी हम लोग जा रहे हैं, तो मिलते हैं वहीं। तो गाइस अभी हम लोग अपने पहले प्लेस पे आ चुके हैं। तो ये अभी गुरुद्वारा गली का पकौड़े का दुकान है। तो ये रहा वो, यहाँ पे बहुत सारे के अंकल हैं, अंकल जी ओनर हैं। तो अंकल, आप ये दुकान कितने साल से चला रहे हैं? यहाँ पे 1995। तो ये अंकल 1995 से गाइस वो चला रहे हैं ये दुकान। बहुत ही फेमस दुकान है और आप दाम देख सकते हैं, इससे ना कम ना ऊपर ना नीचे। दो वेरिएंट है यहाँ पे। अभी पहला ये ब्रेड पकौड़ा जो बहुत ही स्पंची है, आप इसको आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये इस चटनी के साथ सर्व होता है। और अंकल जी अभी आलू पकौड़ा छान रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी तरीके का वेरिएंट मिलता है, लेकिन अभी हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं इसी वजह से केवल अभी हम लोग सिर्फ दो, दुख की बात है कि केवल दो हम लोग खाएंगे अभी। तो गाइस अभी हमें मेरे हाथ में ये ब्रेड पकौड़ा है जो काफ़ी फ्लफी है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैं खा के बताऊंगा कि ये कैसा टेस्ट है। इसको तोड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आलू और ये ब्रेड है। तो अभी हम खा के बताते हैं कि आपको ये कैसा है। तो ये चटनी है, चटनी में ऐसे डुबोए और भाई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही टेस्ट है। और इस चटनी में बहुत ज़्यादा चीज़ें, लहसुन है, ये धनिया पत्ता है, बहुत सारे टॉपिंग्स हैं इस चटनी में। तो अभी एक और चीज़ खाएंगे वो है आलू पकौड़ा, फिर आपको उसके बारे में बताएंगे कि वो कैसा टेस्ट में है। तो गाइस उधर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, तो हम अभी यहाँ पे आए। तो ये हम लिए हैं आलू पकौड़ा, ये दूसरा वेरियंट है, दूसरा वेरियंट है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है गाइस, बहुत ज़्यादा। और इसके अभी तुरंत तला हुआ निकला ना, हाँ गरम गरम। और ये यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी लहसुन प्याज का नहीं मिलता, आप खा सकते हो। अगर आप लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाते हो तो आप ये यहाँ पे आके आप ज़रूर टेस्ट कर सकते हो। यहाँ का लहसुन प्याज होने बिना होने के बाद भी इतना टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम खा के बताते हैं कि ये कैसा है, इसको तोड़ते हैं। और ये चटनी, इसमें चटनी में ब्रेड है, बहुत चीज़ें इस चटनी में, धनिया पत्ता है, बैगन है, बहुत ज़्यादा है। और इसको डिप करते हैं चटनी में, तो मज़ा है भाई इसको डिप करके भाई, गुड इंडस्ट भाई, बहुत ज़्यादा। 10 में से 8 नहीं, ऑयली है थोड़ा सा, इसी वजह से 8 दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो गाइस हम लोग दो चीज़ ट्राई किए और काफ़ी गुड इन टेस्ट था। और अंकल जी यहाँ 1995 से दुकान चला रहे हैं, तो अगर आप भागलपुर में रहते हो तो ज़रूर से ज़रूर अंकल के दुकान पे आके आप ज़रूर से ज़रूर पकौड़े खाना और मेरे को रिव्यू देना कि कैसा पकौड़ा था। तो मेरा रिव्यू तो भाई 10 out of 10 है, गुड इन टेस्ट है। तो अब आपका रिव्यू मेरे को जानना है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइस अभी हम लोग अपने सेकेंड प्लेस पर आ गए हैं, प्रियांशु फास्ट फूड, जो चाइनीज़ पकौड़े के नाम से फेमस है। और ये SBI बैंक के जस्ट सामने ये स्टॉल है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्या है। तो गाइस ये है चाइनीज़ पकौड़ा, अभी मैंने हाफ प्लेट लिया है क्योंकि अभी और भी कुछ खाना है। तो इसको टेस्ट करके बताते हैं, ये पकौड़ा है और पहले भी हम लोग पकौड़ा ही खाए थे, तो ये लेकिन कुछ अलग टाइप का है। और ये इसका चटनी है जो काफ़ी तीखा है, और ये तो काफ़ी क्रिस्पी है। और हम इसको खा के बताते हैं कैसा है, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। कुछ ज़्यादा ही हॉट बजा रहा है गाइस हम लोग को देख के, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग घूर के देखते हैं ना, क्या ही बताएं। तो काफ़ी ज़्यादा औसम टेस्ट है इसका। तो आप भागलपुर आए तो यहाँ ज़रूर बताएं आना, और SBI कॉर्नर के जस्ट सामने में है। तो एक तुम भी टेस्ट कर लो, तुम्हारा भी रिव्यू, उसका तबीयत खराब है ऐसे इसलिए वो खा नहीं पा रहा। तो मैं आपको खा के दिखाता हूँ, ये चटनी है, डिप किया, इसी में मजा आएगा। हो गया। तो इसका हम 10 out of
8 रिव्यू देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयली है इसी वजह से। वैसे सब चीज़ बेस्ट है, आप भागलपुर आना तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड प्लेस पे, हम लोग आए हैं बिहार की आन बान शान खाने, वो है गाइस आपका लिट्टी चोखा। तो देख सकते हैं चोखा है और लिट्टी है और बहुत सारा प्याज है, तो खा के बताएंगे। और ये गाइस स्थित है ये कोर्ट जनम भाई, हाँ ये कोर्ट के जस्ट सामने, बहुत ही फेमस, बहुत ही साल से लगा रहा है, कम से कम हो गया होगा उसका 10 साल के आसपास। उधर बहुत काफ़ी भीड़ था तो वहाँ पर हम लोग रिव्यू नहीं ले पाए, तो अभी हम आपको खा के बताते हैं कि कैसा लगेगा। तो ये है इसका लिट्टी। जब तक आप चोखा पूरा मुंह में ना लेंगे तब तक तो कोई बात ही नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, तो भाई गर्म है काफ़ी, अब मेरे से रहा नहीं गया। कैसा है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी गर्म है। चलिए अभी कुछ बोल नहीं पा रहे और कैमरे वाले भैया का भी कुछ नहीं हो पा रहा जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, काफ़ी ज़्यादा। और ये मिर्च है तो ट्राई करते हैं, भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त है इसका चोखा जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो कितना रिव्यू देना चाहते हो? 10, क्योंकि ये बिहार की आन बान शान है, आपको पसंद है हमको पसंद है तो इसको तो 10 में 10 ही देंगे। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट प्लेस पे। तो गाइज अभी हम लोग लिट्टी चोखा खा चुके हैं, उसके खाने के लिट्टी चोखा खाने के बाद तो कुछ मन ही नहीं कर रहा खाने का। वीडियो के लिए दो जगह और जाना है, ये अभी हमारा थर्ड प्लेस था तो हम अभी फोर्थ और फिफ्थ प्लेस ज़रूर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हम क्या दो और चीज़ खाने वाले हैं। तो मिलते हैं अभी गाइस फोर्थ प्लेस। तो गाइस अभी हम लोग अपने चौथे और पांचवे प्लेस तो भी नहीं कह सकते क्योंकि गाइस अब ये महादेव टॉकीज़ है जहाँ पे कि भाई वहाँ का फेमस मोमोज़ हैं, फेमस मोमोज़। और इधर पानी पूरी है, आप यहाँ पे आप आके दोनों चीज़ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी पूरी खाता नहीं हूँ तो मैं मोमोज लूँगा और मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कैसा है यहाँ का मोमोज। और आप अगर भागलपुर आएंगे तो ज़रूर एक बार आप यहाँ पे आकर ट्राई कर सको। तो गाइस ये ही है वो मोमोज, अभी हम लोग ऑयली खा चुके थे इसी वजह से अभी हम लोग फ्राई मोमोज नहीं लिए हैं। तो अभी हम लोग लिए स्टीम, तो इसके साथ रेड चटनी ग्रीन चटनी अभी मिक्सअप हो गया है और ये है मेयोनीज। तो अभी हम खा के बताते हैं, तो ये पनीर मोमोज है तो अभी हम खा के बताते हैं कैसा है। 30 का हाफ और 60 का फुल, हाँ 30 का हाफ और 60 का फुल, दाम बढ़ा चुके हैं और वेज आपको 40 का फुल मिलेगा और 20 का हाफ मिलेगा। लिटरली भाई बहुत ज़्यादा ओपी, ये सबको फेवरेट है, आप भागलपुर आए तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और मेरे सभी फ्रेंड्स आगे यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। हाँ भाई बता सकता हूँ कि जो मेरा वीडियो शूट कर रहा है वो हमारे साथ BMP ब्लॉग से, हमारे भागलपुर के ब्लॉगर, तो उनका अभी तबीयत ख़राब है तो वो खा भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी ठीक है लेकिन हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ ये बात है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब तुम्हारा नहीं हो जाए बस। हाँ मेरा नहीं हो जाए, नहीं होगा भाई। हमारा आखिरी जगह यही है आपका बाबूलाल से, जो दीपरवा चौक पे आपका मानिक सरकार चौक जिसको आप कह सकते हैं वो यहीं पे स्थित है। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर और खा के बताते हैं कि कैसा लगा आपको। तो गाइस अभी समोसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ हैं। तो अभी हम लोग बाबूलाल स्वीट्स में जो दीपरवा के आगे हैं, और ये दुकान भाई पूछो मत कि कितना साल, भागलपुर का सबसे पुराना दुकान, यहाँ का सबसे मतलब भागलपुर का आई थिंक सबसे पुराना दुकान है, 1934 से चल रहा है, 1934। और वहाँ आप देख सकते हैं वो है इस दुकान के मालिक, दिखेगा नहीं वो ऊपर फोटो है। तो ये अभी हम समोसा लिए गाइस खाने के लिए, और समोसा के साथ आपको चटनी दिया है सरसों की, और आपको हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, खा के बता रहे कि कैसा टेस्ट है। तो ये भाई पपड़ी तोड़े, तो चटनी लिए, धुआं गजब लग रहा है इसका, और ये धुआं देख के आपको भी बता सकते हैं कितना गरम गरम है। तो मुँह में लेना ठीक नहीं है, जरा फूट लेते हैं, भाई चटनी तो मस्त है, समोसा तो नहीं बता दे चटनी मस्त है।
सरसों की चटनी है, समोसा भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। मेन को सबसे अच्छा है यहाँ पर था कि ये पत्ता में है तो आसानी से, ये ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री है, बहुत अच्छा है। और आपको यहाँ पे बहुत चीज़ खाने को मिलेंगे, जलेबी हो गए, फिर यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस आई थिंक कचौड़ी जलेबी है जो आपको सुबह में मिलेगा, लेकिन हम लोग अभी शाम में आए थे अभी हम लोग खा नहीं पाए, इसलिए अभी हम लोग समोसा लिए, फिर इसके बाद जलेबी लेंगे, फिर जलेबी का भी आपको रिव्यू देंगे। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा तो हम लोग समोसा खाए थे, फिर अभी हम लोग जलेबी ट्राई करें क्योंकि कुछ तीता खाने के बाद कुछ मीठा भी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग दो जलेबी लिए, एक हमारे VMP भाई के लिए और एक मेरे लिए, तो अभी हम लोग टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ का जलेबी भी कैसा है। चलो टेस्ट करते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही मीठा है, कलरफुल भी नहीं है, जो बाहर में आप जो खाते होंगे तो आपका कलर भी डालते होंगे, तो ये बिना कलरफुल का है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ के बारे में। जो तुम्हें ट्राई कर, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, बहुत मज़ा आ रहा खाने में। तो हम समोसा और जलेबी दोनों को मिला के, जलेबी का 5 और समोसा का भी 5, तो टोटल हो गया 10, तो 10 आउट ऑफ हम 9 लेना चाहते हैं, क्योंकि गाइस सुबह से तो भाई क्या ही बताए, सब जगह जा रहे हैं तो हर जगह ऑयली खाना खाना पड़ रहा है, तो क्या ही बता सकते हैं। तो लास्ट में कुछ मीठा है और ये हमारा लास्ट प्लेस है आपको जैसे पता है, तो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गाइस जैसे कि आपने देखा कि हम लोग 5 जगह गए थे और हम लोग 5 जगह का बहुत ज़्यादा चीज़ खाए, पहला तो आपका पकौड़े हो गए, ब्रेड पकौड़े और आलू पकौड़े, फिर दूसरा आपका चाइनीज़ पकौड़ा हो गया, तो दो लगातार तो हम लोगों ने पकौड़े खाए, फिर थर्ड हो गया आपका, थर्ड क्या हो गया था भाई मैं भी भूल गया, हाँ थर्ड आपका लिट्टी चोखा था बिहार की आन बान शान, और फोर्थ आपका मोमोज था वो महादेव वाले, और फिफ्थ आपका बाबूलाल भैया का समोसा और जलेबी था। तो गाइस अभी तो फिलहाल मेरे को अच्छे से तो व्लॉग करने आता नहीं, लेकिन हम अपना पूरा ट्राई किए हैं कि, तो गाइज़ हम यहाँ तक अपना पूरा ट्राई किए कि आप लोग को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने का भी कोशिश किए, अब आगे फ्यूचर में और अच्छे तरीके से हम व्लॉग्स लाएंगे और आप देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पे।